पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में व्हाट इज एज ओके एक तो एक इंटरनेशनल इन, डेफिनेशन है ना

सिक्योरिटी uh, इंस्टीट्यूशन इदारे जिनको हम कहते हैं जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव है सही दैट इज द कॉमन यूसेज डेफिनेशन मेरी जो जाती डेफिनेशन है आई थिंक इट इज अ नेटवर्क ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट ऑफ द एलीट इसके अंदर ऑब्वियसली देखे जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है फिजिकल पावर hmm. hmm. उसकी परसेंटेज ज्यादा होगी हमेशा क्योंकि जिसकी लाठी उसकी Depends. सर um, ऑब्वियसली टॉप आपके पॉलिटिशियंस भी इसमें अच्छा इसमें एक रिवॉल्विंग डोर भी है आप दाखिल भी होते हैं और फिर आपको निकाला भी जाता है एस्टैब्लिशमेंट में से आई थिंक दैट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज मोस्टली बीन अ फाइट के हु गेट्स द बिगेस्ट स्लाइस ऑफ द पाई ठीक है और इसमें भी कोई गलत गलत नहीं है कभी-कभी आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पर्स्यू करते हुए भी सकते हैं, मैं yeah. मैं you know, um, मैं देखें, देखें को पे re redefine करके मैं तो elite interests. Hmm. Hmm. और आप कि पाकिस्तान में जो भी भी है, है, जो जो um, जैसे अभी ये जो हाल में जो तोशा खाना की जो रेवोल्यूशन hmm. कुछ देर पहले हुई है huh? अब आप कह सकते हैं कि यार इसमें कोई गैर कानूनी बात hmm. नहीं है ठीक है और रूल्स के मुताबिक ठीक है yeah. है ये आ, BMW है? Hmm. मैंने उसको बीस hmm. फीसद ली लेकिन वो रूल किसने बनाए yeah. आपने ही बनाए ना सर hmm. हाँ आप शुगर मिल्स की जोनिंग क्यों करते हैं कॉटन एरियाज में क्योंकि शुगर मिल्स आपकी हैं hmm. शुगर को सब्सिडी क्यों, in क्यों मिलती है बिकॉज दे आर कंट्रोल्ड बाय द मोस्ट पावरफुल इंटरेस्ट इन दिस कंट्री आपको रियल एस्टेट को बार बार एडमिनिस्ट्रीज क्यों मिलती हैं क्योंकि रियल एस्टेट का मेन कारोबार किन के, के हाथों में है hmm. सी तो ये सारी चीजें हैं ना यू हैव टू लुक एट दोस्त लेकिन हम डिस्ट्रैक्ट पता है किस चीज में हो जाते हैं कि आज खान साहब ने बिलावल के बारे में ये कहा बिलावल hmm. ने उसके बारे में ये कहा कैप्टन सफदर ने ये कहा मरियम नवाज ने ये कहा ये वो धूल है hmm. जो आपकी आंखों में फेंकी जाती है टू कीप यू फ्रॉम सींग वॉट इज एक्चुअली हैपनिंग